दोस्त बनाओ ऐसे जो आपको गोल्ड गिफ्ट करे। तो उनके थ्रू ये मेरे लिए गिफ्ट आया और बहुत ही सुंदर है यार। मैटर हो गया, बहुत भयंकर मैटर हो गया। दोस्त बनाओ ऐसे जो आपको गोल्ड गिफ्ट करे। इन दोनों ने, मैंने नहीं दिया गाइस। वही तो, मैं तो खुद गरीब हूँ और अब मैं नहीं उतारूंगी। ना मेरे हाथों में, ना मेरे गले में कुछ कुछ नहीं है गाइस। गरीब बप्पी लहरी लाइट, बप्पी लहरी की उंगली भी नहीं है। रिपल, इससे मोटी चेन नहीं है। 50 तोला चाहिए, 50 तोला इतनी लागे दे। क्या सूट कर रहा है मेरे को सोना। कुत्ता लग रही है, इसका पट्टा बांध दिया। वो कुत्ता। इट्स योर बॉय कनिका देवरानी। गर्ल। ओह हाँ, इट्स योर गर्ल कनुप्रिया। कनुप्रिया इन द हाउस। कनिका देवरानी बोल रही है तो कन्नू बोल रही है। नो कनुप्रिया, कनिका देवरानी। स्केच का है मेरा भाई। स्केच के नाम पे इसकी ऐसी हो जाती है ना। पूरा दिन क्लास में कुछ ना करके अभी हम फिर से जा रहे हैं कुछ खाने, फिर से जा रहे हैं कुछ कचर पचर खाने। कचर पचर, कचर पचर, कच्चा खाने जा रहे हैं। अरे तू ही खाएगा। अच्छी तो दोस्तों, मैं कह रही थी तुम रोज बिरयानी खाते हो, राजमा चावल खाइयो वाले मस्त होते हैं। राजमा चावल खाएंगे। ओए आज 99 की हो रही है टिकट, आज सारे टिकट 99। मैंने बताया था तुझे, मुझे बता रही होगी। तो मूवी देखने चलते हैं कोई। चलो दोस्तों, हम कभी भी वीकेंड्स में मूवी देखने नहीं जाते, हम हमेशा वीकडेज में जाते हैं क्योंकि टिकट सस्ती होती है। क्योंकि वीकेंड से देवराज चतुर्वेदी आगरा भग जाता है पागल खाने अपना इलाज कराने। विपुल जा रहे हैं, वो देव जा रहे हैं रोहिणी विपुल के पास और हम जा रहे हैं मूवी देखने। एमिटी देखो, पिकनिक स्पॉट। रोज यहाँ पे खाने लेके आया करो, चद्दर बिछाया करो मस्त अपना। आज ना हम कॉलेज के बाहर मस्त राजमा चावल ट्राई करने वाले हैं। मैं खाऊंगी, छोड़ दे। अबे देव विपुल कहाँ छूट गए, ये साले हमेशा छूट जाते हैं पीछे। लेट लतीफ दोनों, देखो शक्ल देख लो क्या मस्त है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली मेरा बर्थडे था एंड उसमें काफी खर्चा हुआ। ऊपर से अभी भी मैं काफी खर्चा कर रही हूं। यार बर्थडे था तो इसलिए मैं अभी भी अपने ऊपर बहुत स्पेंड कर रही हूँ और इतना स्पेंड कर लिया कि मेरा पूरा मंथली बजट हिल ही गया था। पर मैंने सारे पैसे रिकवर कर लिए बिनोमो में ट्रेडिंग करके। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में लिंक है, वहां से जाके आप बिनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए। दोस्तों ये ऐप का इंटरफेस है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। थोड़ा सा टाइम लेते हैं एंड प्रिडिक्ट करते हैं। मुझे लगता है ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैंने ग्रीन वाला प्रेस कर दिया। अब देख सकते हैं मेरी इनकम भी आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो अकाउंट है, मेरे रियल अकाउंट में इतने रुपीज है और डमी अकाउंट में मिला है जिसमें इन्फिनाइट मनी है ट्रेडिंग सीखने के लिए। और एक बार अगर आप सीख गए तो आप अपना रियल अकाउंट यूज करना चालू कर सकते हैं। और यहाँ पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो आपको ये तीन लाइन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट है एंड यहाँ से आप कस्टमर सपोर्ट के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी यार यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के जिसमें बहुत सारे प्राइजेस भी लिखे रहते हैं, तो आप लोग इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इजिली विड्रॉ और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। गेट अ 50% बोनस ऑन योर डिपॉजिट बाय यूजिंग माय प्रोमो कोड। तो दोस्तों वेट किस बात का है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, वहां पर जाके अभी रजिस्टर कीजिए। तो दोस्तों बहुत सोचने के बाद हम जा रहे हैं पहले जूडियो। आप लोग कह रहे होंगे हर दूसरे ब्लॉग में जूडियो जाती रहती है, जूडियो में मेरे को मजा आने लग गया, पता नहीं क्यों जूडियो जाने में। तो जूडियो जाए मेरे प्राण यहाँ पे आ गए थे। तोड़ दे फोन अपना, तोड़ दे। गंदी गाड़ी चलाता है तू भाई। मैं देख रहा था फोन पकड़ा कैसे, जरा स्पीड कर, वो चल देते और आ गया। अब अच्छा पकड़ा है, ये सीख दी थी मैंने। यार दे विपुल, यार बहुत प्लान कैंसिल करते हैं हमारे। वही है ना, अब दोस्तों कॉलेज खत्म हो रहा है तो समझ जाओ बस। नखरे आ रहे हैं उनके ज्यादा, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। विपुल को जाना था रोहिणी और देव को भी जाना था काम से, तो इसलिए वो लोग निकल गए। हम जा रहे हैं पहले जूडियो, उसके बाद देखते हैं मूवी देखने जाएंगे। आज 99 की हो रखी है सारी टिकट्स, कोई ना कोई मूवी तो देखनी है भाई मेरे को। वसूलना चाहती है तू ये ऑफर? हाँ भाई, कैसे नहीं वसूले भाई 99 की। पर कोई मूवी अच्छी है नहीं रखी, दुनिया रखी है। आर्टिकल 370 है, तेरी बातों में उलझा जी है, डीमन स्लेयर है, बहुत कुछ है। पर वही है कि यार मैं क्या बोलूँ यार, दोस्तों मेरे दोस्त मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो अपने डिसीजन लेने होते हैं। मैं सिर्फ खाली बोलने के लिए हूँ यहाँ पे, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं खाली बोलती रहती हूँ, एक कान से सुनते भी नहीं है। ये ऐसे जाते हैं इनके, ऐसे करके मेरी बात ऐसे जाती है और ऐसे टकरा के फिर वापस देखो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं भाई। चलो कोई नहीं यार, हम चलते हैं जूडियो, थोड़ा शॉपिंग कर लूंगी मैं मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी। दोस्तों मैंने जूडियो से फिर से थोड़ा सा सामान ले लिया,
तूने क्या लिया? मैं कुछ लेता हूँ, अभी ले रहा हूँ मैं ये क्या? यही दिलाती हर बारी है बस, जो आने वाला खाने खाना। अबे भाई मैं इसको बोलती हूँ तेरे को जो लेना ले ले, लेता ही नहीं है। इट्स इज इट माय फॉल्ट है नितेश सोनी? कम से कम ये जो फोन है ना ये इसका अल्ट्रा वाइड ऑन तो कर लिया कर, इसको अपनी आंखें दिखा रही है लोगों को। मिस्टेक हो जाती है दोस्तों कई बार, तो फिर रोज मिस्टेक होती है तेरे से। नहीं आती ब्लॉगिंग? जामण जी चल रहे। अब क्या करने गया था तू? अब तो जामण जी चल रहे। पर तू करने क्या गया था खाने से पहले? जगह बनाने। अब तो जामण जी चल रहे। इसको लगी हुई थी, इसने मॉल में आके करी है दोस्तों। इसने पता नहीं कुछ चोको ब्राउनी फज कुछ मंगा दिया था। मैं मीठा खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं मीठा। इसके चक्कर में जबरदस्ती मुझे खाना पड़ा क्योंकि इसने मंगाया। इसने कहा तू भी खौक खौक, और मुझे ना इतना उल्टी जैसा हो रहा है, इतना मीठा खिला दिया ना इसने। मुझे खुद हो गया यार, मतलब उल्टी जैसा तो नहीं बट अजीब सा मीठा मुंह करके। भाई हाई ऐसी ऐसी डाइटिंग करता है यार दोस्तों ये? बताओ यार इसे डाइट करे थोड़ा। खराब खराब मुझे भी खिला रहा है, नहीं तो रोज रोज ले आता है बाहर खिलाने के लिए। नहीं खाना भाई मुझे बाहर का, रोज रोज खिलाता है। ठीक है, आपसे नहीं आऊंगा इसके साथ, मैं घर रहूंगा, घर का खाना खाऊंगा। अरे तू तो दोस्त है ना, चल यार बता और क्या खाएगा तू? आ गई ना लाइन पे, चलो यार चलो। कॉलेज के बाद ना मैंने ज्यादा व्लॉग नहीं करा क्योंकि हम मैं और मम्मी थोड़ा काम करने लगे थे। फिर मैं जिम गई, अभी मैं जिम से आई और मम्मी ने क्या खाना बनाया आज, आलू मटर चटनी और मक्के की रोटी, मतलब मक्के का आटा प्लस नॉर्मल आटा मिक्स करके, तो इतना मतलब बहुत खाना बना, मजा आ गया। मम्मी के आने के इतने फायदे हैं ना, इतने फायदे हैं। बस अगर मम्मी के पैर में चोट नहीं लगी होती तो मजा आ जाता। दोस्तों आज है नेक्स्ट डे एंड मैंने सुबह से कुछ व्लॉग नहीं करा, अभी शाम हो गई है क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा व्लॉग कर देती हूँ। और जैसे मैंने सोचा उतनी देर में मेरा पार्सल भी आ गया है, एक मतलब पार्सल तो नहीं, किसी ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है। ये देखो जीवा से तो प्यारा नेकलेस आया मेरे लिए, बहुत गुड, थैंक यू। हाँ तो ये मेरे एक भैया ने मुझे भेजा है पुणे से, मतलब वो पुणे रहते तो वहां से तो नहीं, खैर उन्होंने, अरे यार पागल हो गई हूँ मैं, बीमारी मेरे सर पर चढ़ गई है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठूं कुछ करूं, भाई बिल्कुल ही तेरी गंदी तबीयत खराब हुई मेरी। आप लोग भी ख्याल रखो यार, अजीब सा मौसम हो रहा है, बीमारी वाला हो रहा है वैसे भी। तो मैं कहती हूँ मेरे एक भैया ने भेजा है, जो पुणे में जॉब करते हैं अभी, तो उनके थ्रू ये मेरे लिए गिफ्ट आया और बहुत ही सुंदर है यार। तो दोस्तों पूरे दिन मैं ऐसी पड़ी हुई थी, ऐसी तबीयत हो रखी थी मेरी। अब जाके थोड़ा उठी हूँ मूड फ्रेश करने के लिए क्योंकि यार काम भी करने थे आज बहुत, जो कि सारे ऐसे ही छूट गए तबीयत की वजह से। और बस अभी फिर नितेश और अंजलि दीदी का फोन आया थोड़ा बाहर चलने के लिए, वो मम्मी को भी आना, पर मम्मी के पैर में चोट है तो कैसे आएगी अभी पता नहीं। मम्मी को रेस्ट की जरूरत है अभी, इसलिए मम्मी को हम नहीं लेके जा रहे हैं, कहीं नहीं ले जा रही तू, मुझे घर पे ही बिठा रहा। तो अब वो कैसे पैर में चोट लगा दी, घर पे ही बैठना मत, बस हिल मत। तो आप ही बताओ यार मम्मी को थोड़ा समझाओ कि कभी कभी रेस्ट भी जरूरी है, मैं हूँ तो काम करने के लिए। आज मैं बीमार पड़ गई, आज सुबह से बीमार पड़ी हुई भाई, मैं कसम से बोलूं इतनी गंदी तबीयत खराब हुई है ना मेरी आज, करके एनर्जी बिल्कुल नहीं है शरीर में। बट थोड़ा बाहर जा रही हूँ क्योंकि यार ऐसे लेट रहो ना तो और ज्यादा लगता है कि बीमार वाली फीलिंग आती है थोड़ा सा। कुछ मत खाने बाहर, कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाने जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं केवल मूड फ्रेश करने जा रही हूँ क्योंकि कल मेरे को काम निपटाने यार बहुत सारे काम हो रखे हैं और मेरे से निपटे नहीं आज बिल्कुल भी, कुछ नहीं कर पाई मैं। तो दोस्तों हम निकल गए हैं चाणक्यपुरी के लिए, जो हमारा उस दिन प्लान था वो आज पूरा हो रहा है। जो हम उस दिन कॉलेज में बोल रहे थे ना चाणक्यपुरी जा रहे हैं मोमोज खाने, वो हम आज जा रहे हैं। सुना होगा सबने, लेकिन हमारी तबीयत बहुत खराब है। नहीं सबने सुना होगा, रील वगैरह में देखा होगा, यशवंत चुप रहे, मैं बोल रहा हूँ चुप रहे, ये सबके साथ लड़ता रहता है तू, तेरे पे और कुछ सुना तो नहीं सुना, काम धाम नहीं तेरे पे कुछ लड़ने के अलावा है। सुन लो मेरी बात, सुन लो, पहले लड़ने के लिए ही बना है। सही में पहले मेरी बात सुन लो, बोल। तो गाइस यशवंत पहले साहब ने नाम सुनी होगी, वहाँ जा रहे हैं मोमोज ट्राई करने, बहुत रील देख लिया मैंने, नहीं सुना मैंने भी नहीं सुना। जो इंसान 8 बजे सो जाए क्या पता होगा दिन दुनिया के, और जो लड़की 5 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ के क्या करती है तू, फिर सो जाती है 5 बजे उठती है, 5 में फिर सो जाती है गाइस। अरे यार बाहर भाई लड़ाई हो गई दोस्तों, मैटर हो गया बहुत भयंकर, मैटर हो गया, लोग लड़ते रहो, मैं तो चली सोने, मैं तो कुछ खा भी नहीं सकती, मैं तो ऐसे ही छोड़ दू गाजीपुर के कूड़ेदान पे, इसको छोड़ो ना नितेश को छोड़ो, किसी काम की नहीं अभी तो, राम बेचारे मतलब कैसे लोग होते हैं। चला जा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस आई हूँ यार। अरे आप आई क्यों पता नहीं, ब्लॉग बना पेट्रोल के पैसे देने। तो गाइस हम आ चुके हैं यशवंत पैलेस मोमोज खाने,
इसे देख लो कैसे उठ के आ गई है, बिल्कुल होमलेस। ये देखना ये क्या क्या है, ये कपड़े पहनने की तमीज नहीं है तुझे, ना इसको मोमोज खाने ना इसे कुछ करना, बस उठ के आ गई यहाँ पे। मैं दर्शकों के लिए आई हूँ, मैं ब्लॉग बनाने आई हूँ दोस्तों। हम आपके हम ना आपके लिए रिव्यू देने आया मेनली। भीड़ देखना, यहाँ भीड़ देखना, पहचान सकते पक्का। तो गाइस ये चल रहे अपने मोमोज, इसका बहुत मन कर रहा है खाने का। ये देख पानी आ रहा है, सुनिए देख भाई चटनी तो क्या स्पाइसी है यार, एक तो एक नंबर। मैं अगले दिन आऊंगी ना, अगले दिन लाना पड़ेगा। नहीं अब नहीं, अब हो गया मेरा, मेरे को तो ट्राई करना था, मैंने कर लिया, मजा आ गया। अंजलि कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। लेकिन गाइस मोमोज एक नंबर है, आके ट्राई कर सकते हो, बढ़िया है ना। तू क्या बोल रही, तूने खाया? चुपचाप बैठ गया। भीड़ देख लो, देख रहा भीड़, ये रात के कोई बोले ना। और यहाँ पे ना सब लोग खुले में दारू पी रहे हैं। और अब हम जा रहे घर, तो घर चलते हैं, घर चलते हैं। बढ़िया, तू तो गोली खा के सो गई हो। मैं मोमोज पैक कराया अपने, दिखाऊं इसके? इतने खाए पर मैं, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना मैं इधर आऊंगा। मजाक कर रहा हूं गाइस, आंटी के लिए पैक कराया, जो ना मम्मी के लिए। हां आंटी के लिए मैं कह रही थी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं इधर आऊंगी, तो ठीक है तब लेके उसको आएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, मतलब मैं मस्त खा के मैं अपना रिव्यू दूंगी। तो दोस्तों घर आ गई हूं मैं, बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। एंड सॉरी यार दोस्तों, अभी थोड़ा कभी-कभी ब्लॉग में कंटेंट नहीं दे पाती, आप समझ ही सकते हो, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। जबकि मैं एक दिन छोड़ के ब्लॉग करती हूं, मेरे ब्लॉग एक दिन छोड़ के आते हैं, तो मैं आप सोचती हूं कि आपको अपडेटेड रखूं अपनी लाइफ से। एंड क्योंकि यार आप लोग लाइफ ही देखते हो मेरी एक तरीके से, है ना मम्मी? कोई बात नहीं यार दोस्तों, हम जल्द ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अभी थोड़ा मम्मी के भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी हो गया थोड़ा दिन, ऐसी ऐसी चला गया, बट कोई बात नहीं दोस्तों, तबीयत पे ध्यान देते हैं, मम्मी की भी और अपनी भी, फिर देखना क्या मस्त मस्त कंटेंट आएगा। मेरा मन था आप लोगों को 22 गिफ्ट दिखाने का भी, बट हिम्मत नहीं हुई यार आज, क्योंकि सब निकाल के ढूंढ के एक जगह रख के मैंने सोचा था प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, नहीं बना पाई। बट कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में दिखा दूंगी वो गिफ्ट। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक दिन छोड़ के ठीक 2 बजे मेरा व्लॉग आता है, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों, बाय।